एक औरत सहरी में सबसे पहले उठती है और सब घर वालों के लिए सहरी तैयार करती है, लेकिन खुद सबसे आखिर में खाती है। दिन भर के कामकाज और फिर शाम से ही अफ्तारी की तैयारी में जुट जाती है। नमाज और तरावी के बाद सबके लिए चाय बनाती है और फिर चंद ही घंटों के आराम के बाद फिर सहरी के लिए उठ जाती है। ये इतना आसान नहीं होता। अपनी घरवाली की कदर करें और रमजान में खास तौर पर उसके कामों में उसका हाथ बटाएं।